अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस की थर्ड वीडियो है। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल टर्म। जनरल टर्म पे ये सेकंड वीडियो है। तो जनरल टर्म किस मकसद के लिए यूज़ होता है? जनरल टर्म ऑफ एन इनफिनिट सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन विच रिलेट्स ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद इट्स नंबर। यानी हर एक टर्म को जो टर्म का नंबर है उसके साथ रिलेट करने के लिए और पूरे सीक्वेंस को जेनरेट करने के लिए ये जनरल टर्म लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको बरवक्त पहुंच सके। तो हम इस जनरल टर्म की मदद से पूरे सीक्वेंस को जेनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जनरल टर्म है ए एन इज इक्वल टू 2n। अब इससे हम पूरे फंक्शन को कैसे जनरेट करते हैं, तो आए लेट्स गो फर्दर। अब n की जगह हम 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे n की जगह 1 डाल दिया, यहाँ पे n की जगह 1 डाल दिया, तो a1 हो गया इज इक्वल टू 2n है, 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो n की जगह 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब n की जगह 2 डाल दिया तो 4 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, और टर्म हो गया सेकेंड। इसी तरह a3 हो गया, यानी थर्ड टर्म हो गया, n की जगह 3 लग गया और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह n की जगह 4 लग गया तो a4 टर्म बन गया, यानी n की जगह 4 डाल दे और इधर भी n की जगह 4 डाल दे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, a4 हमारे पास 8 आ गया। तो इसी तरह आगे अगर 5 डालेंगे तो 5th टर्म बन जाएगा, 6 डालेंगे तो 6th टर्म बन जाएगा, और हमारे पास इसी तरह एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। सो द सीक्वेंस जनरेटेड विल बी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और जनरल टर्म है 2n, और इसी तरह ये सीक्वेंस कंटिन्यूड है। अभी हम और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हमने जनरल टर्म लिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 2n। तो अब n की जगह पे हम पहले 1 लेंगे इधर, फिर 2 लेंगे, n की जगह 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे एंड सो ऑन। तो अगर हम 1 लेते हैं n की जगह पे तो हमारे पास क्या आता है a1, और n की जगह पे हमने 1 लिया तो a1 आ गया, और यहाँ पे 2n है तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज 2। फिर अभी n की n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे n की जगह 2, यहाँ पे n की जगह 2, तो 2 पावर 2 4 हो गया। इसी तरह n की जगह 3 ले लिया तो थर्ड टर्म a3 बन गया, और यहाँ पे n की जगह 3 ले लिया तो 2 पावर 3 8 हो गया, और a4 इसी तरह 2 पावर 4 और 16 बन गया। तो जो सीक्वेंस हमारे पास जेनरेट हो रहा है वो क्या है, 2, 4, 6, 8, और इसी तरह ये सीक्वेंस कंटिन्यूड है। इसका जो एन टर्म है वो है 2n, और इसी तरह सीक्वेंस कंटिन्यूड है। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2n-1, यानी 2n-1, एन और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे 1 माइनस हो रहा है,
और हम उसी तरह एन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेंगे, 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और सो ऑन। तो अब एन की जगह 1 ले लिया तो ए एन है, तो यहाँ पे ए 1 हो गया, और यहाँ पे 2n है, 2 × 1 −1 −1, इसी तरह इससे आंसर आता है 1। एन की जगह 2 ले लिया तो 2 × 2 − 1 3 आ गया, और ये सेकंड टर्म बन गया। अब थर्ड टर्म, एन की जगह 3 ले लिया तो ए 3 बन गया, और यहाँ पे एन की जगह 3 ले लिया तो 2 × 3 − 1 5 बन गया। ए 4, यानी एन की जगह 4 ले लिया तो यहाँ पे एन की जगह 4 ले लिया, 2 × 4 − 1 तो यहाँ पे इज इक्वल टू 7। इसी तरह द सीक्वेंस जनरेटेड विल बी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आगे जो जनरल टर्म है वो हमारा है 2n − 1 और द सीक्वेंस इज कंटिन्यूड। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए एन इज इक्वल टू 1/2 n − 1। नाउ पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एन की जगह 1 लग गया तो फर्स्ट टर्म बन गया, और यहाँ पे एन की जगह 1 ले लिए तो 2 × 1 − 1 तो 2 power 0, तो 1/2 0, 2 power 0 इज 1, तो 1/1 इज 1। अब सेकंड टर्म के लिए एन की जगह 2 ले लिया, एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे तो 2 power 2 − 1 तो 2 power 1, तो 1/2 1 इज 1/2। फिर एन की जगह 3 ले लिया तो ए 3, यहाँ पे एन की जगह 3 ले लिया तो 2 power 3 − 1 तो 2 power 3 − 1 से 2 आ गया, तो 2 power 2 इज 4, तो 1/4। नेक्स्ट टर्म, एन की जगह 4 ले लिया तो 2 power एन की जगह 4 ले लिया तो 4 − 1 तो 3 बन गया, तो 2 power 3 इज 8, तो 1/8। सो द सीक्वेंस जनरेटेड विल बी 1, 1/2, 1/4, 1/8 और इसी तरह चल रहा है। तो जनरल टर्म हमारे पास है वही जो हमने हमें गिवन था, 1/2 n − 1 एंड द सीक्वेंस इज कंटिन्यूड। ये हमने n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, अगर हमें ज़रूरी नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 से, n इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर जनरल टर्म क्या होगा, फिर जनरल टर्म यही होगा इसी सीक्वेंस का। और उसमें अगर आप n की जगह देखें, पहले 0 लगाएंगे और उसकी जगह फिर 1 लगाएंगे, एन की जगह फिर 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे और 4 लगाएंगे एंड सो ऑन। और तो अगर एन की जगह हम 0 लगाएंगे तो देखिए 1/2 0 तो 1, यही टर्म फर्स्ट टर्म ही आपके पास आएगा। और एन की जगह अगर आप 1 लगाएंगे तो 2 power 1 तो ये बनेगा सेकंड टर्म। और अगर एन की जगह पे आप 2 लगाएंगे तो 1 ये वाला बनेगा, अगर n की जगह 3 लगाएंगे तो ये वाला बनेगा, और इसी तरह सेम सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें जो जनरल टर्म हमें गिवन है वो 1 + −1/2 n। अब इसमें हम n की जगह पे 1 लगाएं तो a 1 बन गया, और यहाँ पे n की जगह 1 तो 1 +
-1/2 पावर 1। तो -1/2 के ऊपर 1 लगाया तो -1/2 आ गया। तो 1 -1/2 इज 1/2। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए n की जगह पे 2 लगाएं तो a2 बन गया। 1 ब्रैकेट -1/2 पावर 2। तो 1 के ऊपर जब 2 लगाएंगे तो 1 आएगा, और 2 के ऊपर 2 लगाएंगे तो 4। और माइनस इस इवन पावर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 1 प्लस 1/4, इससे आता है हमारे पास 5/4, विच इज़ सेकेंड टर्म। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए हम एन की जगह 3 लगाएंगे। तो यहाँ पे एन की जगह 3 लग गया और यहाँ पे एन की जगह 3 लग गया इस जनरल टर्म में। तो a3 इज़ इक्वल टू, और आगे यानी माइनस के ऊपर जब 8 पावर लग जाए तो क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो गया। 1 के ऊपर 3 लग गया 1, और 2 के ऊपर पावर 3 लग गया तो 8। 2 पावर 3 इज़ 8। 1 -1/8 इज़ 7/8। सो दिस इज़ द थर्ड टर्म। इसी तरह हम फोर्थ टर्म के लिए n इज़ इक्वल टू 4 लगाते हैं। तो ये आता है हमारे पास, क्योंकि ये इवन है तो प्लस हो जाता है, और 2 पावर 4 इज़ 16। और 1 प्लस 1 और 16 को जब हम ऐड करते हैं तो 17/16। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म। सो द सीक्वेंस जनरेटेड विल बी दिस वन। और इसमें हमने आगे जाके जनरल टर्म लगाया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आगे फिफ्थ भी मालूम कर सकते हैं, सिक्स्थ भी मालूम कर सकते हैं, और ये जनरल टर्म और एंड द सीक्वेंस इज कंटिन्यूड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक जनरल टर्म है जो हमें गिवन है। एन की जगह पे हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए एन की जगह 1 लगाएंगे। पहले n इज़ इक्वल टू 1 लगाते हैं। तो -1 के ऊपर जब 1 8 पावर लगी तो यहाँ पे 1 -1 इज़ इक्वल टू 0। फिर n इज़ इक्वल टू 2 लगाएंगे तो 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया। तो -1 पावर 2, ये है इवन, तो इवन लग गया तो +1 बन गया तो 2। और यहाँ पे फिर n इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे a3 बन गया तो पावर 3 -1 के ऊपर 1 प्लस और -1 पावर 3। -1 के ऊपर जब 3 पावर है तो -1 आ गया तो 0। इसी तरह फोर्थ टर्म, जब पावर 4 आपने लगाया इस जगह पे तो -1 पावर 4 +1 बन गया, 1 3 2। इसी तरह ये सीक्वेंस कंटिन्यूड है। द सीक्वेंस जनरेटेड विल बी 0 2 0 2, इसी तरह आगे भी 0 2, और ये चल रहा है। दिस इज द जनरल टर्म और सीक्वेंस इज कंटिन्यूड। इसके साथ हम जो है ना इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर और कोई चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुंच जाए।
थैंक यू।